नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिग्नेचर ग्लोबल आईपीओ, मनोज वैभव आईपीओ, जीएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ, वैलियंट लैब आईपीओ का क्या लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, यदि आपने इसमें से अप्लाई किया है तो आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है, और मार्केट में चल रहे और भी आपका आईपीओ क्या क्या रहने वाले हैं, मेन बोर्ड आईपीओ और आपका सेमी आईपीओ क्या क्या रहने वाले हैं, और यदि आप सेमी आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कितने का कैपिटल लगेगा और आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है, इन सभी चीज़ों को बड़े ही विस्तार से इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में और इस चैनल पर बने रहें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करें। दोस्तों, बात करें जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आईपीओ के बारे में, तो आप देख सकते हैं जो इसका जो आईपीओ है मार्केट में 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के दिन आता हुआ दिखेगा। आप इन्हीं डेटों के बीच में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस बात की इस आईपीओ के बारे में, तो देख सकते हैं कि जिसका जो आईपीओ है 2800 करोड़ का होने वाला है और ये आपका टोटली फ्रेश इशू होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए इस आईपीओ को पूरा डिटेल से देखते हैं कि कंपनी करती क्या है और कंपनी का एक्सपर्टीज किन किन क्षेत्रों में है और कंपनी का कारोबार कैसा है और कैसा फैला हुआ है। दोस्तों, बात करें कंपनी के विषय में, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कंपनी है 2006 में आपका इसका कंपनी को फॉर्मेशन हुआ था और ये आपका कंपनी मेनली काम किस पे करती है, तो आप देख सकते हैं कि कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज सॉल्यूशन और आपका लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और मेनली कंपनी करती क्या है, तो आप देख सकते हैं कि आपको डेवलप करती है और ऑपरेट करती है क्या आपका पोर्ट्स और पोर्ट्स के टर्मिनल हो गए अंडर पोर्ट कंसेशन के। और ये जो आप कंपनी है आपका जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपका जेएसडब्ल्यू ग्रुप की एक कंपनी है। और ये जो कंपनी है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपकी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है जो आपका पोर्ट को ऑपरेट करती है और आपका पोर्ट को हैंडलिंग में, ये आपका फिजिकल ईयर 2022 के अनुसार ये डाटा बता रहे हैं। और कंपनी मेनली करती क्या, तो आपको देखने को मिला कि कंपनी आपका वेरियस टाइप ऑफ कार्गो हो गया, इंक्लूडिंग आपका ड्राई बल्क, ब्रेक बल्क और आपका लिक्विड बल्क, गैस एंड कंटेनर, इन सभी को आपको करंटली डील करती है। और इस कंपनी का जो विस्तार है बहुत सारे क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें आपको देखने को मिला कि थर्मल कोल, कोल, आयरन कोर, शुगर, यूरिया, आपका स्टील प्रोडक्ट्स, रॉक फॉस्फेट, आपका मोलासेस, जिप्सम और भी आपका एलएनजी, पीएनजी और आपका कंटेनर्स, इन सब चीज़ों में इसका काम आपको देखने को मिल जाएगा। और इस कंपनी का प्रेजेंस जितने भी आपको पोर्ट एरिया हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, वेस्ट आपका कोस्ट हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, मतलब मेनली इनका कंपनी का जो प्रेजेंस है, एक्चुअली ये आपका पोर्ट से रिलेटेड कंपनी है, तो आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ जहाँ आपका समुद्री क्षेत्र आपका इंडियन सीमा से लगा हुआ है वहाँ वहाँ इस कंपनी का प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। और आपको इसका प्रेजेंस इंटरनेशनली भी देखने को मिलेगा, जो आपको दो जगह पर है, जो आपका यूएई में है, एक आपका फुजारिया और आपका डिबा में देखने को मिलेगा जो कि आपका यूएई में है, दुबई में। तो इस तरह देख सकते हैं कि कंपनी एक्चुअली आपका पोर्ट रिलेटेड काम करती है और एक आपका जीएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है और ये जो आपका जितने भी भारी भरकम सामान हो गए इन सब से रिलेटेड है, जो आपका पोर्ट में जितने भी आपको काम लगते हैं, बड़े बड़े कंटेनर हो गए, कोल हो गए, ये सब चीज़ों में काम करती हुई दिखती है। और इस तरह कंपनी का आपने देखा कि कंपनी एक्चुअली करती है, आपको मोटा मोटा आइडिया लगा हो कि कंपनी का काम क्या है और किन क्षेत्रों से जुड़ी हुई कंपनी है, और ये आपका एक जीएसडब्ल्यू की ग्रुप की कंपनी है। तो दोस्तों, अब चलिए इसके इंपॉर्टेंट डेट्स को देखते हैं कि यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डेट को ध्यान में रखने चाहिए। तो आपको इसका टेंटेटिव डेट्स की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो इसका जो आईपीओ है मार्केट में 25 सितंबर से आता हुआ दिखेगा और ये आपका जो आईपीओ की क्लोजिंग होगी 27 सितंबर के दिन होती हुई दिखेगी। और तो इसका जो अलॉटमेंट है आपको 3 अक्टूबर के दिन होता हुआ दिखेगा। और यदि ओवरसेशन के कारण यदि अलॉटमेंट नहीं हो पाता है तो आपका रिफंड है 4 अक्टूबर के दिन आपके अकाउंट में हो जाएगा। और बात करें यदि आप लकी रहते हैं और आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो 5 अक्टूबर के दिन आपको डीमेट अकाउंट में शेयर को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और इसकी जो लिस्टिंग डेट रखी गई है आपको 6 अक्टूबर की रखी गई है। तो दोस्तों, इस तरह आप यदि इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आखिरी दिन ही अप्लाई किया करें, HNI और QIB का डाटा देखें इस और आपका क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, तभी आप इसमें अप्लाई करने का सोचें। बात करें इस आईपीओ का डिटेल्स की, तो आपको देखने को मिला कि इसका जो फेस वैल्यू है आपका 2 रुपये का है और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया 113 रुपये से 119 रुपये रखा गया है और इसको आपका एक लॉट में 126 शेयर होने वाले हैं। और बात करें इस आईपीओ के साइज़ की, तो मैंने आपको पहले ही बताया इसका जो आईपीओ का साइज़ है आपको 2800 करोड़ का है, जो आपका टोटली फ्रेश इशू है और इसकी जो लिस्टिंग आपको BSE और NSE दोनों पे होती हुई दिखेगी। दोस्तों, बात करें रिटेल कैटेगरी से, तो आप मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। यदि मिनिमम एक लॉट लगाते हैं तो आपको 126 शेयर रहेंगे और उसके लिए आपको 14994 रुपये का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। और यदि आप रिटेल कैटेगरी से मैक्सिमम लगाते हैं तो आपके लिए 13 लॉट लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको 194,922 रुपये का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। दोस्तों, बात करें रिजर्वेशन कोटा की, तो आपको देखने को मिलेगा कि QIB के लिए आपका 75% और आपका HNI के लिए 15% और आपका रिटेल के लिए 10% शेयर को रिजर्व रखा गया है। दोस्तों, बात करें प्रमोटर की होल्डिंग की, तो आपको देखने को मिलेगा अराउंड 97% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ आने से पहले और आईपीओ आने के बाद कितनी रहेगी, इन्होंने कोई डाटा शो नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों, इसके फाइनेंशियल डाटा पर अगर नजर डाले तो आपको देखने को मिला कि यहाँ जितने भी फाइनेंशियल आपको डाटा दिए गए हैं सब आपका ईयरली बेसिस पर दिया गया हुआ है और सारा आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। यदि इनको करंट ईयर में अगर
आपका एसेट्स की बात करें तो देखने को मिल रहा है कि 9450 करोड़ का इनका एसेट्स है। और रेवेन्यू की बात करें ये भी आपका देखिए आप देख सकते हैं कि ईयर बाय ईयर सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाटा दिया हुआ है। आपको देखने को मिला है कंपनी अच्छी कारोबार कर रही है और इसके ऊपर देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू है 3372 करोड़ का इसका रेवेन्यू है और कंपनी के हाथों में 3645 करोड़ का आपका रेवेन्यू भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस भी देखने को मिल रहा है। और बोरिंग की बात करें तो बोरिंग भी हाथों आपके हाथों में 4243 करोड़ का बोरिंग देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी आपका एक अच्छी खासी कैपिटल मार्केट में रखती है और इसका मार्केट कैपिटल देखने को मिला है कि 24,990 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और बात करें आपका ईपीएस का तो आप देख सकते हैं कि 4.12 रुपये का इसका ईपीएस देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह तो इस कंपनी का पूरा फुल डिटेल रहा और कंपनी करती क्या है, कंपनी का प्रेजेंस कैसा है, कंपनी का फाइनेंशियल डाटा क्या बता रहा है। अब बात करें कंपनी आखिर इस आईपीओ को मार्केट में लेके आना क्यों चाहती है, तो आपको देखने को मिले कंपनी का जो जिसके ऊपर डेट है उस डेट को ये पे करना चाहती है फुली और पार्शली और जहाँ से इन्होंने इस डेट को लिया है। और दूसरा क्या है कि जो फाइनेंशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको देखने को मिला है कि ये आपको एक्सपेंशन करने मना चाहते हैं जो इनका एलपीजी टर्मिनल है और आपका परचेस भी करना चाहते हैं और आपका बहुत सारा जो कंपनी में जो आपका इसको और ग्रोथ देखने को मिल सके। और इनके ऊपर और भी आपका फाइनेंशियल कॉरपोरेट पर्पज से भी इस आईपीओ को लेकर आ रहे हैं और आपको देखने मिलेगा कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस भी इसमें शामिल है। तो इस देख सकते हैं कि जो भी ये आपका आईपीओ मार्केट में लेकर आ रहा है उस पैसे को आपका कंपनी के हित में ही इस्तेमाल करने के चाहते हैं ऐसा इन्होंने बता रखा है। तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है, इसका जीएमपी क्या चल रहा है, चलिए इसके जीएमपी पे नजर डालते हैं तभी आपको पता चलेगा इसका जीएमपी क्या चल रहा है और इसमें आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आते रहें। तो यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ अच्छा वैल्यू मिला होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसको जीएमपी पे नजर डालते हैं। बात करें जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ को जीएमपी की तो आपको देखने को मिलेगा जो इसका जीएमपी है अभी आपका 15 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ का जो अपर प्राइस बैंड है 119 रुपये का, दोनों को ऐड करने के बाद आपको 134 रुपीज़ निकल के आते हैं। यदि इन परसेंटेज गेन की बात की तो आपको 12 से 13% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जो इसका जीएमपी आपके 18 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखा है, वहीं इसकी लोवेस्ट जीएमपी की बात की तो आपको 0 रुपये का इसने लो भी लगाया। तो दोस्तों आप इस चैनल पर वीडियो में बने रहें, यदि इसके जीएमपी में कोई चेंज आएगा तो आपको जल्द से जल्द वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट आईपीओ को जीएमपी पे नजर डालते हैं। दोस्तों बात करें वैलिएंट लेबोरेटरी लिमिटेड आईपीओ के विषय में तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो आईपीओ है 27 सितंबर से शुरू होकर 3 अक्टूबर तक चलेगा। और बात करें कंपनी करती क्या है, कंपनी का कारोबार कैसा है, कंपनी किन किन क्षेत्रों में काम करती है, कंपनी क्लाइंट कैसे हैं, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों चलिए इन सब चीज़ों को विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों इस कंपनी का जो फॉर्मेशन हुआ था आपको 1980 में देखने को मिल रहा है और ये जो वैलेंट लेबोरेटरी लिमिटेड कंपनी है ये मेनली आपका फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को आपका मैन्युफैक्चरिंग करती है और इस मैन्युफैक्चरिंग में मेनली आपका हो गया पैरासीटामोल। और एक कंपनी जो आपका मेनली लोकेटेड है आपका पालघर महाराष्ट्र में है और जो आपका 2000 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है। बात करें इसके टोटल एनुअल कैपेसिटी की तो आपको देखने को मिल जाएगी 9000 मैट्रिक टन पर एनुअल ये आपका इसका जो कैपेसिटी है। और इस कंपनी के पास आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी से भी आपका इक्विप्ड है और ये अपने इसमें बता रहे हैं कि इक्विप्ड विथ एनालिटिकल लेबोरेटरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, मतलब जो इनके पास प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर ये आपका एनालिटिकल करते हैं और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी काम ये करते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मेनली जो कंपनी है आपको ये दवा का जो है पैरासीटामोल इसमें आपको मेनली ये मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसके ऊपर ये इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी फैसिलिटी इनके पास है जो इस पर आपका रिसर्च भी करते हैं कि दवा कैसा है कैसा नहीं है, कैसा काम करती है और कैसा काम नहीं करती है। और ये पिछले 3 सालों में फिजिकल ईयर 2021-2022 और 2023 में इस लेबोरेटरी के थ्रू इन्होंने बहुत अच्छी खासी आपका रेवेन्यू जनरेट किया है जो आप देख सकते हैं 1823 करोड़, आपका 2915 करोड़ और आपका 3339 करोड़ इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है जो आपका मिलियंस में है। और बात करें ये आपका चाइना और कंबोडिया से जो पैरासीटामोल जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसका जो रॉ मटेरियल है उसको वहाँ से मंगाते हैं जो आपको देखने को मिला है कि पैरा अमीनो फेनोल और आपका मेनली जो पैरासीटामोल जो आपका दवा है उसको बनाने में पैरा अमीनो फेनोल का दरकार पड़ता है। तो ये जो आपका जो रॉ मटेरियल है ये आपका कंबोडिया और आपका चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। और जैसा बता रहे हैं कि 30 अप्रैल 2023 के अनुसार इनके पास 86 एम्प्लॉय हैं। तो इस तरह मेनली आप देख सकते हैं कि मोटा मोटा कि इसे ज़्यादा इसके विषय में दिया भी नहीं है तो आप देख सकते हैं कि मेनली जो कंपनी है वो आपका पैरासीटामोल जो फीवर का जो दवा है उसको मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसके लिए जो आपका रॉ मटेरियल है वो आपका चाइना और कंबोडिया से मंगाते हैं।
और बात करें कि इस कंपनी का फैलाव कैसा, कंपनी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, वो आपका महाराष्ट्र में है। अब बात करें कंपनी का इंपॉर्टेंट डिटेल्स, आपका डेट क्या रहने वाले हैं और किन किन डेट को आपको नज़र रखना चाहिए, चलिए उस पर नज़र डालते हैं। तो इनके इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं इनको अगर नज़र डाल तो देख सकते हैं कि इसका जो IPO है मार्केट में 27 सितंबर से ओपन होकर 3 अक्टूबर तक चलेगा। और यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 3 अक्टूबर का ही वेट करें और आखिरी दिन इसमें अप्लाई करें। इससे क्या होता है कि आपका जो रिस्क है मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि चेन्नई और किवाई में कैसा सब्सक्रिप्शन रहा है, उसके विषय आपको आइडिया मिल जाता है कि इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए कि अप्लाई नहीं करना चाहिए। बात करें अलॉटमेंट की तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो अलॉटमेंट है 5 अक्टूबर के दिन होता हुआ दिखेगा। और यदि आपको अलॉटमेंट नहीं हो पाता है ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण तो आपको जो पैसे हैं आपके अकाउंट में 6 अक्टूबर के दिन आते हुए दिखेंगे, और 6 अक्टूबर के दिन ही आपका जो डीमैट अकाउंट में शेयर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इसकी जो लिस्टिंग डेट रखी गई है आपका, ये 9 अक्टूबर के दिन रखी गई है। दोस्तों ये तो हो गया इसका इंपॉर्टेंट डेट्स, और बात की इसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स की तो IPO की, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस IPO का जो फेस वैल्यू है 10 रुपये का है और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 133 से 140 रुपीज़ रखा गया है पर शेयर। और बात करें वन लॉट में 105 शेयर होने वाले हैं। और बात करें पूरे इस IPO के साइज़ की तो आपको देखने को मिलेगा कि इस IPO का साइज़ है 152 करोड़ का, इस IPO का पूरा साइज़ है जिसमें पूरा आपका फ्रेश इशू है। और इसकी जो लिस्टिंग होती हुई आपको दिखेगी BSE और NSE दोनों पे इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। दोस्तों बात करें रिजर्वेशन कोटा की तो आपको देखने को मिलेगा QIB के लिए 50%, HNI के लिए 15% और आपका रिटेल के लिए 35% शेयर को रिजर्व रखा गया है। दोस्तों अगर बात करें आप इसमें मिनिमम एक लॉट लगाते हैं रिटेल के कैटेगरी से आपको, तो आप देख सकते हैं कि आपको एक लॉट में 105 शेयर होंगे जिसके लिए आपको 14,700 का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। और आप रिटेल कैटेगरी से मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं जिसके लिए आपको 191,100 का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। और HNI के कैटेगरी से आप देख सकते हैं कि 14 लॉट मिनिमम और मैक्सिमम 68 लॉट लगा सकते हैं, और बिग HNI से मैक्सिमम आप 9 लॉट लगा सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि आपको कितने पैसे चाहिए और कितने लगाने के लिए, और मिनिमम एक लॉट में कितने कितने शेयर रहने वाले हैं, और इसमें आपके किसके लिए कितने शेयर को रिजर्व रखा गया है। चलिए अब देखते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग क्या है। तो आपको देखने को मिला कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है IPO आने से पहले 100% है, और IPO आने के बाद अराउंड 75% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग रह जाएगी। और दोस्तों बात करें इस कंपनी का फाइनेंशियल पैरामीटर कैसा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी डाटा दिए गए हैं सब आपका ईयरली बेसिस पे दिया हुआ है। तो आपको देखने को मिला है कि एसेट्स की बात करें तो आपको देखने को मिला कि 2021 के अनुसार इसके मार्च 21 के 106 करोड़ इसका रेवेन्यू, और मार्च 22 में 181 करोड़, और मार्च 23 में 212 करोड़ का इनका रेवेन्यू है। दोस्तों ये सभी डाटा आपने देखा, चलिए अब इसका फाइनेंशियल डाटा देखते हैं कि इसका कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। तो आपको देखने को मिला है कि यहाँ जितने भी फाइनेंशियल डाटा दिए हुए हैं सब आपका ईयरली बेसिस पे है। अगर एसेट्स की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, सारा आपका इमेजिन है, सब आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। अगर एसेट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर आपका 2021 के अनुसार 106 करोड़, 22 में आपको देख सकते हैं कि 181 करोड़, और अब 23 में आपका 212 करोड़ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो 183 करोड़, 293 करोड़ और 338 करोड़ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30 करोड़, 27 करोड़ और 29 करोड़ देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ भी इनका काफ़ी अच्छा है, और इनके ऊपर बोरिंग भी करंट ईयर में 60 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आपको देखने को मिला है कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है आपको 608 करोड़ का है, और ये आपका 15.71 के PE पे ट्रेड कर रही है। और दोस्तों बात करें इसके कंपनी को ROE को, तो आप देख सकते हैं कि 33.73 है, और आपका ROC 22 के अराउंड देखने को मिल रहा है। और इसके ऊपर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो 0.59, और इसका जो EPS है 8.91 के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह देखा कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का कारोबार कैसा है, चलिए अब इसको देखते हैं कि आखिर ये कंपनी मार्केट में IPO को लेकर आना क्यों चाहती है। तो आपको देखने को मिलेगा कि, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो कंपनी है अपना जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और उनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको और आपका इंक्रीज करना चाहते हैं, और आपका जनरल कॉरपोरेट पर्पस से भी इस IPO को लेकर आ रहे हैं, और आपका इन्वेस्टमेंट इन आपका देख सकते हैं कि VASPL में भी आपका फंडिंग करना चाहते हैं। तो इस तरह कंपनी का जो मोटो है काफ़ी अच्छा है कि अपने कंपनी का जो उसको और ग्रोथ में उस पैसे को लगाने वाले हैं। तो इस तरह देख सकते हैं कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का प्रसार और विस्तार किन किन क्षेत्रों में है। तो दोस्तों यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आखिर दिन का वेट किया करें, तभी आपका जो क्या होता है रिस्क जो मिनिमाइज हो जाता है। तो चलिए अब नज़र डाल दें कि GMP क्या चल रहा है, यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। तो चलिए इसके GMP पे चलते हैं। तो बात करें वैलियंट लैब IPO को GMP को, तो आपको देखने को मिलेगा कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से इसके GMP में कोई भी उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आप इस चैनल पर वीडियो में बने रहें, यदि इसके GMP में कोई चेंज आएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों बात करें अपडेटेड सर्विस IPO के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि किसका जो IPO है मार्केट में
25 सितंबर से ओपन है कि 27 सितंबर तक चलेगा। और बात करें इस कंपनी करती क्या है, कंपनी का कारोबार कैसा है, कंपनी के क्लाइंट्स कैसे हैं, कंपनी का जो विस्तार है किन किन क्षेत्रों में है, और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसा है, इन सब चीज़ों को आप वीडियो में देखेंगे। और बात करें इस आईपीओ का साइज कितना होने वाला, तो आपको देखने को मिलेगा आईपीओ का जो टोटल साइज है आपको 640 करोड़ का है। तो चलिए इस कंपनी का विस्तार चर्चा करते हैं। दोस्तों बात करें इस कंपनी के विषय में, तो आपको देखने को मिलेगा कंपनी 1919 में आपका फॉर्म हुई थी। और तो दोस्तों आपको देखने को मिले कंपनी करती क्या है, तो कंपनी आपको दो सर्विसेज में ऑपरेट करती है। पहला हो गया B2B मॉडल, जिसमें आपका बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, और आपका BSS मॉडल। BSS मॉडल हो गया बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। और ऐसे इनका दिया गया जो पहला जो मॉडल है आपका IFM और एंड अदर सर्विस सेगमेंट, एंड दूसरा हो गया BSS सेगमेंट। और पहले सेगमेंट में देखा जाता है आपको देखने को मिला कि मेन लिया आपका प्रोडक्शन सपोर्ट सर्विसेज, सॉफ्ट सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, वाशरूम, आपका फेमिनिंग हाइजीन, वायर हाउस मैनेजमेंट, जनरल स्टाफिंग एंड मोर। और अगर बीसेस में देखा जाए तो आपको देखने को मिल गया कि कंपनी ऑफर करती है ऑडिट एश्योरेंस सर्विसेज थ्रू सब्सिडरी मैट्रिक्स UTS, फिर दूसरा हो गया आपका वेरिफिकेशन चेक सर्विसेज, एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, सेल्स। तो मेनली आपको देखने को मिला है कि जितने भी आपका सपोर्टिंग सर्विसेज है आपको उन सभी को इस कंपनी देती हुई दिखेगी, जिसमें आपको अलग अलग जो मैंने आपको डाटा बताया दो, या आपको दो सेगमेंट में काम करते हैं, पहला आपका IFM और आपका दूसरा BSS। तो इस आप देख सकते हैं कि मेनली जो आपका कंपनी है इसके क्लाइंट भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। और इनके जो अगर क्लाइंट की बात की तो आपको देखने को मिला कि आदित्य बिरला फैशन हो गए हैं, इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, हुंडई मोटर हो गया, और आपका सेंट ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और इसके मोर और भी इसे कंपनी के क्लाइंट हैं। और ये जो कंपनी है मेनली आपका क्या है, पैन इंडिया प्लेयर। इसमें शो कर रहा है कि जैसे आप देख सकते हैं कि अपडेटर सर्विस लिमिटेड इज ए पैन इंडिया प्लेयर विथ अ वाइड स्प्रेड नेटवर्क कंसिस्टिंग 4331 लोकेशन पे आपका काम करती है, आपका मैनेज है फ्रॉम 129 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस विथ। इसके जो ऑफिस हैं आपका टोटल इसका ऑफिस 116 ऑफिस हैं जो सिचुएटेड हैं, एंड 13 ऑफिस सिचुएटेड आपका ओवरसीज दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका जो टोटल ऑफिस है 116 ऑफिस जो आपके इंडिया में है, और जो उसका 13 ऑफिस है वो आपका इंडिया के बाहर हैं, और टोटली ये आपका 4331 अलग अलग लोकेशनों पे आपका जो इनका जो स्टाफ्स हैं। तो इसे आप देख सकते हैं कि मेनली जो कंपनी आपका कंट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करती है, और इसे क्लाइंट भी आपके मतलब बड़े बड़े अच्छे अच्छे मतलब क्लाइंट है, और ये आपका टोटली दो सेगमेंट पे काम करती है, जो आपका अलग अलग ये कामों को आपको हैंडल मतलब करती है, जो ये अपने अलग अलग कामों को हैंडल करती है और उसको मैनेजमेंट का काम करती है। तो इस तरह आपने देखा कि कंपनी का कारोबार कैसा है, कंपनी करती क्या है, और बात करें इसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स और इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की भी, तो चलिए उस पर नज़र डालते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो IPO 25 सितंबर से ओपन होगा, 27 सितंबर के दिन चलेगा। तो आप यदि आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 27 सितंबर के दिन में अप्लाई करें, और यदि आप लकी रहते हैं आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको 4 अक्टूबर के दिन दिखता हुआ दिखेगा। और यदि इसमें आपको अलॉटमेंट नहीं हो पाता है ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण, तो आपको जो पैसे हैं आपके अकाउंट में 5 अक्टूबर के दिन आते हुए दिखेंगे। और यदि बात करें आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो 6 अक्टूबर के दिन आपके डीमैट अकाउंट में शेयर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इसकी जो लिस्टिंग डेट रखी गई है 9 अक्टूबर के दिन रखी गई है। दोस्तों बात करें इस IPO के इंपॉर्टेंट डिटेल्स की, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपये का है, और देखने को मिला है कि जो IPO का जो प्राइस बैंड है 280 से 300 रुपये के बीच का है, और एक लॉट में 50 शेयर होने वाले हैं। और IPO का जो टोटल साइज है टोटल आपको देखने को 640 करोड़ का है, जिसमें आपका फ्रेश इशू 400 करोड़ का और आपका ऑफर फॉर सेल 240 करोड़ का है, और इसकी जो लिस्टिंग आपको BSE और NSE पे होती हुई दिखेगी। दोस्तों बात करें यदि आप रिटेल कैटेगरी से मिनिमम एक लॉट लगाना चाहते हैं तो एक लॉट में 50 शेयर होंगे, जिसके लिए आपको 15,000 रुपये का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, और मैक्सिमम आप रिटेल कैटेगरी से 30 लॉट लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,95,000 का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, और HNI कैटेगरी से मिनिमम 14 लॉट और HNI मैक्सिमम आप 66 लॉट लगा सकते हैं। बात करें रिजर्वेशन कोटा की, तो आपको देखने को मिलेगा कि KYB से आप KYB के लिए 75% शेयर को रिजर्व रखा गया है, और HNI के लिए 15% और आपका रिटेल के लिए 10% शेयर को रिजर्व रखा गया है। यदि प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो आपको राउंड टू राउंड 81% IPO आने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग है, और IPO आने के बाद इसमें कोई भी डाटा दिया नहीं हुआ है। और तो दोस्तों बात करें कि कंपनी का फाइनेंशियल पैरामीटर क्या है, कंपनी का कारोबार क्या, तो आपको देखने को मिला कि इनका जो जितना भी आपको डाटा देखने को मिला सारा आपका अमेजिंग है, सारा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, और कंपनी के हाथ में यदि बोरिंग की बात करें तो आपको देखने को मिला कि करेंट ईयर में 176 करोड़ का इनके ऊपर बोरिंग भी है, और अगर नेटवर्थ की बात करें तो 380 करोड़ का नेटवर्थ है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 34 करोड़ का इनके ऊपर प्रॉफिट भी इनको देखने को मिल रहा है करंट ईयर में। तो इस तरह देख सकते हैं कि जो सारा डाटा काफ़ी अच्छा है, आपको इमेजिन है, और आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है।
तो दोस्तों बात करें कि इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, तो आप देख सकते हैं कि 2001 करोड़ का इनका मार्केट का कैपिटलाइजेशन है इनकी कंपनी का, और कंपनी का जो पी है आपको 44 के अराउंड देखने को मिल रहा है। और आर ओ सी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 14.17 और आपका आर ओ 9.41 के अराउंड देखने को मिल रहा है। और डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो अभी आपका 0.46 और आपका ईपीएस है 6.77 के अराउंड का ईपीएस भी है। तो दोस्तों ये सब तो इनका पूरा डाटा रहा। अब बात करें कि मार्केट में कंपनी इस आईपीओ को लेकर आना क्यों चाहती है, तो चलिए इस पर नज़र डालते हैं। तो आपको देखने को मिला कि मार्केट में जो इनके ऊपर बोरिंग है उसको पार्शियली और फुली इसको पे करना चाहते हैं, और दूसरा है कि आपका फंडिंग और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी इस आईपीओ को लेके आ रहे हैं, और तीसरा आप देख सकते हैं कि परसुइंग इनऑर्गेनिक एक्टिविटी के लिए इस पैसे को लगाने वाले हैं, और चौथा इन्होंने जैसा बता रखा है कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ से भी इस पैसे को और इसमें आपको लगाने वाले हैं और इस आईपीओ को लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह आपने इस कंपनी का पूरा डिटेल देखा, कंपनी करती क्या है, कंपनी का कारोबार कैसा है। तो दोस्तों यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आखिरी दिन का वेट करें, इसके बाद इसमें अप्लाई करने का सोचें। तो चलिए दोस्तों अब इस पर नज़र डालते हैं, यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी के अनुसार आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल रही है, या आगे भी इसका जेएमपी में कैसा देखने को मिल सकता है। तो बात करें अपडेटेड सर्विस आईपीओ की जेएमपी की, तो आपको देखने को मिला कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से इसके जेएमपी में कोई भी अप एंड डाउन देखने को नहीं मिल रहा है, अभी भी स्टील आपका 0 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों यदि इसके जेएमपी में कोई चेंज आएगा या अप एंड डाउन देखने को मिलेगा तो आपको वीडियो के माध्यम से इस चैनल देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस चैनल पर इस वीडियो में बने रहें, यदि इसके जेएमपी में कोई चेंज आता है तो आपको जल्द से जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो और आपका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको देखने को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आईपीओ जेएमपी पे नजर डालते हैं। तो मनोज वैभव आईपीओ को जेएमपी की बात करते हैं, आपको देखने को मिलेगा जो इसका जेएमपी है अभी आपका 13 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और इस आईपीओ का जो अपर प्राइस बैंड है 215 रुपये का, दोनों को ऐड करने के बाद आपको 228 रुपीज़ निकल के आता है। यदि परसेंटेज बाई एक्स गेन की बात की जाए तो आपको 6% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसके जेएमपी की बात की तो आपको देखने को मिलेगा जो इसका जेएमपी अभी इसमें आपको जेएमपी में 13 रुपये का उछाल देखने को मिला है, इससे पहले आपको 0 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो और आपका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको देखने को मिलता रहे। और दोस्तों यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ अगर वैल्यूएबल पॉइंट मिलता है या कोई आपको वैल्यू देखने को मिलता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से ऐसा कंटेंट लेके आते रहें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आईपीओ की जेएमपी पे नजर डालते हैं। दोस्तों सिग्नेचर ग्लोबल आईपीओ की जेएमपी की बात करें तो आपको देखने को मिले जो उसका जेएमपी है अभी आपका 27 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, और इस आईपीओ का जो अपर प्राइस बैंड है 385 रुपीज़ का है, दोनों को ऐड करने के बाद आपको 412 रुपये निकल के आता है। यदि इन परसेंटेज गेन की बात की जाए तो आपको 7% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यदि इसके जेएमपी में कोई चेंज आएगा तो आपको जल्द से जल्द वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। और यदि इसकी जेएमपी की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा जो इसका जेएमपी है 40 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखा है, और वहीं इसकी लोवेस्ट की बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें 27 रुपये का आपका लो भी लगाता हुआ दिखा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो इसका जेएमपी अभी आपका लो पे ही ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों आप इस चैनल पर इस वीडियो में बने रहें, यदि इसके जेएमपी में कोई चेंज आएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से जल्द से जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो और आपका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द देखने को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आईपीओ की जेएमपी पे नजर डालते हैं। आई सिल्क आईपीओ की जेएमपी की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा जिसका जेएमपी है अभी आपका 7 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और इस आईपीओ का जो अपर प्राइस बैंड है आपका 222 का है, दोनों को ऐड करने के बाद आपको 229 रुपीज़ निकल के आता है। यदि इन परसेंटेज गेन की बात की जाए तो वो अराउंड 4% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और बात करें इसका जेएमपी की तो ये आपका 14 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखा है, और वहीं इसकी लोएस्ट की बात की जाए तो आपको 0 रुपये का इसने लो भी लगाया है। तो दोस्तों यदि इसके जेएमपी में कोई चेंज आता है तो आपको वीडियो के माध्यम से जल्द से जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप इस चैनल पर इस वीडियो में बने रहें, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो और आपका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको देखने को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आईपीओ को जेएमपी पे नजर डालते हैं। आईपीओ को जेएमपी की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो यात्रा ऑनलाइन इसका आईपीओ है पिछले 12 ट्रेडिंग सेशन से इसके जेएमपी में कोई भी अप एंड डाउन देखने को नहीं मिल रहा है, स्टील भी आपका 0 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों आप इस चैनल पर इस वीडियो में बने रहें, यदि इसके जेएमपी में कोई चेंज आता है तो आपको जल्द से जल्द वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा और आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और आपका वीडियो जल्द से जल्द आपको देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आईपीओ को जेएमपी पे नजर डालते हैं कि उसके जेएमपी में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, और यदि आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। आईपीओ के जेएमपी की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा जो इसका जेएमपी है 60 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, और इस आईपीओ का जो अपर प्राइस बैंड है 75 रुपीज़ का है, दोनों को ऐड करने के बाद आपको 135 रुपीज़ निकल के आता है। यदि इन परसेंटेज गेन की बात किया तो अराउंड आपको 80% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है कि जो इसका जेएमपी इसने आपका 60 रुपीज़ का हाई लगाता हुआ दिखा है, और वहीं ये
जो इसका लोएस्ट जीएमपी आपका 20 रुपीज़ का भी है। तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जिसके जीएमपी में कोई चेंज आता है तो आपको जल्द से जल्द वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपके चैनल पर इस वीडियो में बने रहें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करें। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और आपका वीडियो जल्द से जल्द देखने को मिल सके।